गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज 24 जुलाई और दिन है शनिवार। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व हमारे पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में मैंने भी सोचा कि आज मैं भी अपने गुरुओं के प्रति अपना आदर भाव अपना प्रणाम प्रस्तुत करूं। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाने का निर्णय लिया। हमारे एक गुरु जी हैं, उन्होंने भी मुझसे कहा कि गुरु पूर्णिमा पर आप कुछ बनाइए और कुछ का वीडियो बना के जैसे दूसरे वीडियो आप डालते हैं रोज उस पर डालिए। इसलिए मैंने इसको बनाया है। ये आज का जो कुछ भी मैंने बनाया है, अच्छा है या बुरा है, जो कुछ भी है, ये उन्हीं को समर्पित है। मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। आगे बदलते समय और युगों के साथ हमारी प्राचीन गुरु और शिष्य की परंपरा तो लगभग अब समाप्त प्राय हो गई है, लेकिन गुरु तो सदैव गुरु ही रहते हैं। पढ़ने और पढ़ाने का कार्य तो हमेशा चलता रहता है, सीखने और सिखाने की परंपरा तो हमेशा बनी रहती है। कोई ना कोई किसी ना किसी को सिखाता ही रहता है। अति प्राचीन काल में ये पठन पाठन की जो प्रक्रिया थी, एक वैदिक परंपरा थी। उस समय शिष्य को गुरु के पास भेज दिया जाता था, वो गुरु की सेवा करता था, अपने लिए भोजन की व्यवस्था करता था, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करता था और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जब समय पूर्ण हो जाता था, उसका पूरा हो जाता था वहाँ से, तब वो अपने गृह वापस आ जाता था और उसके बाद वो अपने काम धंधे में लग जाता था। गुरु के पास कुछ शिष्य ऐसे भी होते थे जिनको उसे कुछ और शिक्षाएं भी देनी होती थी और उन गुरुजी के पास उन विद्याओं के विषय में उतना ज्ञान नहीं होता था, तो वो जो दूसरे पारंगत गुरु होते थे उनके पास उनको भेजने के लिए, पढ़ने के लिए भेजता था। गुरु अपनी विद्या बहुत सारे शिष्यों को देता था, लेकिन उसमें से एक शिष्य को वो परिपक्व समझता था, परिपूर्ण समझता था और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करता था और उसके बाद वो उस गुरुकुल की, उसको गुरुकुल कहते थे उस समय की पाठशाला को, उसको वो संभालना शुरू करता था। आगे से पढ़ाने और पढ़ाने का कार्य और शिक्षित करने का कार्य, समाज के नियम कायदे कानून बनाने का कार्य वो उत्तराधिकारी उसके आगे करने लगता था। कुछ शिष्य जैसे राम, भगवान राम थे, जैसे शिष्य कृष्ण जी थे, अगर इन लोगों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये लोग तो खुद ही अवतार थे, ये लोग तो स्वयं भू ब्रह्म थे, तो इनको बहुत सारे गुरु लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने गुरुओं के यहाँ गए और गुरु ग्रह में रह करके ही उन्होंने गुरु की सेवा करके ही सारी शिक्षाएं अल्प समय में प्राप्त कर ली। रामचरितमानस में भगवान राम के लिए ऐसा तुलसी जी महात्मा जी ने कहा है कि उन्होंने थोड़े ही समय में सारी विद्याएं सीख ली। तो उनके लिए तो सीखने सिखाने जैसी कोई बात ही नहीं थी, वो तो परम ब्रह्म थे, वो तो उनको तो सब कुछ आता था, लेकिन उनको एक मर्यादा थी जो पूर्ण करनी थी, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और भगवान कृष्ण को सीखने और सिखाने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन इसके बावजूद वो गए, उन्होंने गुरु दक्षिणा दी। और मैं उनका यहाँ पर अगर कहूँगा कि अगर इस संसार का सबसे बड़ा कोई गुरु है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने जो लोगों को अपनी गीता के रूप में जो उपदेश दिया है वो सर्वकालीन है। वो ये ब्रह्मांड रहे न रहे, इसके बाद दूसरी भी सृष्टियाँ आती रहें, तब भी क्या है कि वो दिया हुआ उनका जो वो गुरु मंत्र है, धर्म और कर्म, उन्होंने गीता में
अर्जुन को उपदेश देते हुए ये दुनिया को ये संदेश दिया है कि आप अपने कर्म को करते रहिए और फल की इच्छा मत कीजिए। फल आपको मिलेगा, मिलना होगा तो मिलेगा और नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कर्म करना आपका धर्म है। इसलिए व्यक्ति को कर्म में हमेशा लगे रहना चाहिए और पूर्ण तन मन धन से लगे रहना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ उपदेश दिया जिसके ऊपर एक पूरा ग्रंथ बना, जिसको कि महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है, श्रीमद गीता भागवत। श्रीमद गीता का वो गुरु थे, भगवान कृष्ण थे जिन्होंने इतना बड़ा उपदेश दिया कर्म का। भगवान राम मर्यादाओं से घिरे हुए थे, लेकिन श्री कृष्ण के पास जो गुरु तत्व था वो दुनिया में किसी के पास भी नहीं था। वर्तमान युग में जब हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का रूप बदल गया है। सिखाने वाले को गुरु कहो, शिक्षक कहो, टीचर जी कहो, मैडम कहो या मैम कहो या सर कहो, बात एक ही है, सभी सिखाने वाले हैं, वो सभी सिखाने वाले हैं, वो सभी गुरु हैं। उनसे हम कुछ, जिससे भी हम कुछ सीखते हैं वो हमारा गुरु है। आज के जब नवयुवकों को देखते हैं तो कई बार हम उनमें पाते हैं कि शिष्य से जिस समय शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है उस समय उसको इस बात का बोध नहीं होता है, अपनी वैदिक परंपराओं का ज्ञान उसको नहीं होता है। उनको हो भी कैसे, क्योंकि उनकी जो पीढ़ियां हैं पहले की उनको नहीं पता है, लेकिन इसके बावजूद वो ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है जिसका कि शिक्षक को मिला हुआ है। शिक्षक के मन से उसके शिष्य का आदर कभी भी समाप्त नहीं होता है, उसको सदैव ये याद रहता है कि मुझे इस कक्षा ने, इस अध्यापक ने ये पढ़ाया था। और जब कभी वो शिक्षा पूर्ण करके अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेता है तो उसका हृदय अपने शिक्षकों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति आदर से भर उठता है। शिष्य को सदैव स्मरण रहता है कि कौन से शिक्षक ने उसको किस समय क्या पढ़ाया। कई दफ़े शिक्षक पिटाई भी कर देते हैं, फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको उन क्षणों को याद करके वो मतलब बहुत प्रसन्न होता है कि हमारे गुरु जी किस तरह से हमको पढ़ाया करते थे, याद कराया करते थे, मुझे भी याद आता है। तो और वो उसका हृदय एकदम अपने गुरु के प्रति आदर से भर होता है और उसको मन ही मन प्रणाम करता है। और अगर दैवयोग से अगर वो उनके सामने आ जाता है तो उनको वो उठ के तुरंत प्रणाम करता है और उनको यथोचित आदर देता है। शिष्य सदैव यही कहेगा कि सर, आज के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, आज के ज़माने में अगर कोई शिष्य होगा वो भी अपने शिक्षक से, अपने गुरु से ही कहेगा, सर मेरे लायक कोई कार्य हो तो अवश्य बताइएगा, और वो उस कार्य को अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ पूर्ण करता है और उसमें बड़ा ही वो गर्व और खुशी महसूस करता है। मैंने भी अपनी उम्र के बहुत सारे पड़ाव प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन मुझे भी आज स्मरण है कि मुझे किस कक्षा में किस अध्यापक ने कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए थे, कौन से विषय पढ़ाए थे। आज भी मेरा मन करता है यदि किसी मोड़ पर वह मिल जाए तो मैं उन्हें प्रणाम कर लूँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लूँ एक बार फिर। वैसे तो हर शिक्षक अपने शिष्यों को हमेशा आशीर्वाद देता है, वो पढ़ाता ही इसलिए है कि वो अपने जीवन में सफलताएँ प्राप्त करें। किसी ने कहा है कि हमारे जीवन एक पाठशाला है, जीवन के अंतिम समय तक मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मैंने भी पाठशाला छोड़ने के बाद जिंदगी के जो उतार चढ़ाव होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखा। मैंने भी अपने माँ बाप से बहुत सीखा और अपने दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर कार्य के क्षेत्र में जो लोग मिले उनसे मुझे सीखने का अवसर प्राप्त हुआ और उन अवसरों का लाभ उठा करके मैं अपने जीवन में मैं सोचता हूँ कि मैं अत्यंत सफल रहा। महान संत समाज सुधारक जिनकी नगरी में बैठ करके आज जब मैं ये अपनी पंक्तियाँ बोल रहा हूँ तो मेरे कानों में कहीं से आवाज़ सुनाई देती है जैसे कोई कह रहा हो कि गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आप नो गोविंद ही हो बताए। महान कबीर, महान संत कबीर
को मैं प्रणाम करता हूँ। वो भी एक शिक्षक थे, उन्होंने जिस तरह से समाज सुधार के विषय में शिक्षाएं लोगों को दी, वे आज के दिनों में या हमेशा प्रासंगिक रहेंगी, हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। मैं उन्हें कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। महर्षि महागुरु श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ और शिव और विष्णु जो कि कृष्ण भी हैं, वो दोनों एक ही हैं। मैं इस बाबा की नगरी में बैठ कर के बाबा विश्वनाथ को भी प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ मैं, कबीरदास जी ने कहा है कि गोविंद ने, यानी कि हरि ने, भगवान ने कहा है कि अगर गुरु और गोविंद दो खड़े हैं तो सबसे पहले आप अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। मैं अपने सभी पूर्व शिक्षकों, वे जहाँ भी हों, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। और वर्तमान में भी जो मेरे गुरु हैं, जिनसे मैं कुछ सीखता हूँ या सीख रहा हूँ, उनको भी कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।